संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों को जो समस्याएं हो रही हैं उसके विरोध में राज्य सरकार को जगाने के उद्देश्य से शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया। इस दरमियान संजय गांधी निराधार योजना के वंचित लाभार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित। संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों की मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगभग 5 बार निवेदन सौंपे गए हैं। हालांकि फिर भी अब तक इस मामले में सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया, ऐसा भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने कहा। इस दरमियान उन्होंने कहा कि निःशुल्क बिजली से लेकर किसानों को दिए हुए वादों तक सरकार के सारे वादे झूठे साबित हुए। यह सरकार नागरिकों के हित में कुछ भी नहीं करना चाहती, ऐसा उन्होंने इस दरमियान आरोप लगाया। मोर्चे आधी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती आपण सगळे तेव्हा होते आणि आम्ही सांगितलं होतं की गेल्या 2 वर्षात संजय गांधी निराधार योजनेचे जे लाभार्थी आहेत त्यांना जो त्रास होतो आहे, आम्ही 1 वेळाने 2 वेळाने 5-5 वेळा कलेक्टरला भेटलो, कारण आम्हाला कोविडच्या काळात प्रशासनाला त्रास द्यायचा नाही, पण 5-5 वेळा भेटूनही बावनकुळे सामींच्या नेतृत्वातही जाऊनही त्यांना जर काहीच करायचं नाही, त्यांना दरवर्षी आर्थिक पुरवा मागायचा आहे, दरवर्षी अपंगांचं सर्टिफिकेट मागायचं आहे, विधवा महिलांचा प्रॉब्लेम आहे, ज्या रेशन कार्डात एखाद्याच्या मुलाचं वय 18 का 25 वरती झालं त्याचा निधी बंद करून टाकायचा आहे, अशा अनेक घटना या दरम्यान घडल्या। हे काही कार्यकर्ते नाही भाजपचे इथे आलेले, हे लाभार्थी तुम्ही पाहू शकता, त्यांचे इंटरव्ह्यू घेऊ शकता। माझं म्हणणं आहे जर झोपलेल्या सरकारला जागच येत नाही मग त्याच्याकरता मोर्चा आणि आंदोलन करण्याचा पर्याय नाही, म्हणून हा आजचा मोर्चा आहे। काल माननीय नितीन राऊत साहेबांनी घाईघाईत बैठक घेतली आहे, रात्री संध्याकाळी काहीतरी बैठक झाली, मी फोटो पाहिला आहे की आम्ही 30 ऑक्टोबरपर्यंत सगळ्यांना देऊन टाकू, असं करू तसं करू। ज्या सरकारने 100 युनिट वीज आम्ही फ्री करू म्हटलं ती घोषणा हवेत विरली, ज्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन म्हटलं आम्ही 50,000 एकरी देऊ, 1 रुपया मिळाला नाही। सोई हुई सरकार को जगाने के उद्देश्य से ये आंदोलन किया गया है, ऐसा प्रवीण दटके ने इस दरमियान कहा। साथ ही कहा कि अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो राज्य सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी। बता दें कि इस दौरान संजय गांधी निराधार योजना के वंचित लाभार्थियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनपा की आपली बस में लाया गया था। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या मनपा की आपले बस भारतीय जनता पार्टी की निजी बस है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।